हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैद्य श्री अरुण गुरु जी। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, जिससे मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। बिना कीमत चुकाए भी कोई राजा नहीं होता, बिना कीमत चुकाए भी कोई राजा नहीं होता। सफलता का कहीं भी गुप्त दरवाजा नहीं होता। हमें है डूबना मंजूर दरिया में, हमें है डूबना मंजूर दरिया में, इसी खातिर बिना डूबे भी गहराई का अंदाजा नहीं होता। लक्ष्य प्राप्ति के मूल मंत्र, जी हाँ, लक्ष्य प्राप्ति के मूल मंत्र उम्मीद, नेतृत्व, जोश और जीत होता है। इन पर यदि आप अमल करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। सफलता प्राप्ति के मूल मंत्र में पहला पड़ाव उम्मीद होता है। जब किसी और पर भरोसा न कर पाना, तब खुद पर यकीन तुम करना। नई राह पर लोग अजनबी और रास्ते अनजान तो मिलेंगे ही, तो इन परिचित रास्तों पर चल के अपनी छाप छोड़ जाना। सफलता खुशी और मंजिल उम्मीद के रथ पर बैठकर आती है। यह उम्मीद हमेशा साथ साथ रहते हैं, इसीलिए आप अपने जीवन में उम्मीद को बरकरार रखना, सफलता जरूर मिलेगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा चीज जो है वो है उम्मीद। लक्ष्य प्राप्ति के मूल मंत्र का दूसरा पड़ाव नेतृत्व है। नेतृत्व का उद्देश्य लोगों को सही रास्ता बताना है, उन पर हुकूमत करना नहीं। नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण अपने अनुयायियों से उम्मीद करने की बजाय उसे अधिक देना है। नेतृत्व की क्षमता हर व्यक्ति के पास नहीं होता है और न ही इसे सब लोग पा सकते हैं। नेतृत्व कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं किया जा सकता है, इसके लिए धैर्य, आत्मविश्वास आदि गुण चाहिए। नेतृत्व यदि आप जीवन में सही करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। नेतृत्व पर ही विश्वास करके मनुष्य सफलता की ओर जाता है। सफलता प्राप्ति के लिए तीसरा मंत्र है जोश। कोई काम इसकी ताकत से ही दाएं बाएं घूम सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के सफलता में जोश की अहम भूमिका होती है। कोई भी कार्य यदि आप जोश के साथ, जुनून के साथ करते हैं तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको जूझना नहीं पड़ेगा। लक्ष्य आपको जल्द से जल्द मिलेगा। सबसे बड़ा चीज़ है लक्ष्य प्राप्ति के मूल मंत्र में जोश। जोश का होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य प्राप्ति का चौथा पड़ाव जीत होता है। जीत, हारने के कई रास्ते हैं लेकिन जीत का सिर्फ एक रास्ता है। सबसे पहले उस रास्ते तक पहुंचिए। जीत उन्हीं कोशिशों से मिलती है जिन्हें करने में मन की संतुष्टि मिलती है। जीत की शुरुआत हमेशा दिमाग से होती है। जो जीतने से डरता है उसकी हार निश्चित है। जीतने की प्रबल इच्छा, सफलता की चाह, अपने पूर्ण सामर्थ्य का उपयोग करो। ज़्यादातर लोग ज्ञान और प्रतिभा की कमी से नहीं हारते, बल्कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे जीत से पहले ही मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। कितनी भी कठिनाई आए, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। कठिनाइयों को अवसरों में बदल डालो। थैंक्स।